बस अब हम कर रहे हैं नाश्ता। और क्या कहते हैं नाश्ते में, तो वही डबल रोटी और पापे होते हैं। बस मेरा बेटा, मैं उसी को पराठा देती हूँ तो वो खा लेता, हम लोग तो वही खाते हैं। तो बस अब नाश्ता कर रहे हैं, आइए नाश्ता कीजिए आप भी, फिर इसके बाद देखें क्या पढ़ाऊँगी बच्चों में। बस अब मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि बच्चों को खाने के फ्रेंच फ्राइज शाम हो जाती है, राइस के बाद कुछ ना कुछ खाना होता है। और आजकल सर्दी है, वैसी रातें बड़ी हो गई हैं, तो तकरीबन अभी बजे होंगे 5 बजे, तो फ्रेंच फ्राइज बनाए, कढ़ाई छोटी है ये है, बाकी ये रखे हुए हैं, अभी देखें बनाती हूँ मैं ना। तो बस फ्रेंच फ्राइज के सैंडविच मैंने बना रही हैं, क्योंकि बच्चों को ही मैंने उस दिन बनाए थे तो काफ़ी पसंद आए थे, तो वो दोबारा से ही कहने लगे फ्रेंच फ्राइज के सैंडविच, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, बस ये सारे जो है ना बन गए, बस अब मैं इनको बंद करूँ। अपने बच्चे को बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, एक मेरा है, दो बच्चों को एक ही है, बाकी फ्रेंच फ्राइज ये फ्राई हो रहे हैं, उन्होंने वैसे ही खाने हैं केचप डाल के, तो ये भी थोड़ी देर में फ्राई हो जाएंगे, तो आप भी आइए बिस्मिल्लाह। बस आज संडे है, तो मैंने आज बनाई थी खाने में निहारी, बनाई थी चिकन की, बनाई थी निहारी जो है वो बन के तैयार हो गई है। अभी मैंने अपने हस्बैंड से रोटी मंगाई है निहारी के साथ, तो बाज़ार की रोटी अच्छी लगती है, रोटी या नान, ये नान मंगाएं जो अफगानी नान होते हैं ना, तो बस अभी वो आएंगे तो फिर खाना खाएंगे, तो मतलब लाइट ही चली गई हुई होगी जब वो आएंगे, तो बस निहारी तैयार है, तो बस हस्बैंड का इंतज़ार है। बस अब खा रहे हैं खाना, लाइट जा चुकी है, तो बस अंधेरे में खा रहे हैं, क्योंकि लाइट तो अब आएगी 1 बजे आती है, तकरीबन 10:30 तो हो रहे हैं, तो बस निहारी तैयार है, निहारी बन चुकी है, तंदूर की रोटी भी आ चुकी है, आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब फैमिली को, और अल्लाह का शुक्र है मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं, और क्या कहते हैं आज मैं क्या कहते हैं सबको हैप्पी दिवाली, जितने भी इंडियन बहन भाई हैं उन सबको हैप्पी दिवाली। तो मैंने कहा कि बस क्या कहूँ, तो इतना जाहिर सी बात है हमारी ज़िंदगी में मशक्लात और वो हैं, तो बस मैंने कहा चले मैं लड्डू भी कर रखा ना, मोतीचूर का लड्डू होता है, तो मैंने कहा मैं ऑरेंज दुपट्टा पहन लेती हूँ, तो सबको हैप्पी दिवाली, सबको अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ दे। बस थोड़े वक्त की होती हैं खुशियाँ ही हैं जो इंसान की ज़िंदगी से गम और भुला देती हैं कुछ वक्त के लिए, तो सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए, जितने भी मुसलमान हैं सबके मज़हब को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सब जो है एक इंसान है, तो इंसान जो है वो जाहिर सी बात है अल्लाह ने तो यही बोला है ना कि अशरफुल मखलूकात है इंसान और जाने में फ़र्क है, तो बस इंसान है तमाम मुसलमान जितने भी जो जिसका जो भी मज़हब है मतलब सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और जो सबके त्यौहार होते हैं सबको विश करना चाहिए, उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, जैसे हमारा ईद का होता है ऐसे उनका दिवाली होता है, जितने भी वो होते हैं प्रोग्राम या त्यौहार आते हैं तो बस सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही लाते हैं, और क्या होता है ज़रा ज़िंदगी से थोड़ी टेंशन दूर हो जाती है, और बस यही है अल्लाह ताला सबको ईमान दे, सेहत दे, मन बरकत दे, बस यही है। कल परसों का मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी तो मैं नहीं डाल पाई थी, तो फिर कल तो संडे का दिन तो इतना मसरूफ़ जाता है ना बहुत ज़्यादा ही, तो जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड को मैंने आपसे कहा था ना संडे की भी इस दफ़ा छुट्टी नहीं थी, भले वो 4-5 पीस भी काटने हो ना वो फैक्ट्री में बुलाते ज़रूर हैं, तो बस यही है घर की चीज़ें वगैरह सामान लाना होता है, खाने पकाने का जो भी ख़त्म हो जाती है, सब्जी वब्जी है आलू प्याज टमाटर, तो फिर वो लेने फिर मुझे ही जाना होता है, तो वो सुबह से शाम साथ जाना होता है, अकेली तो मैं जाती नहीं हूँ, अभी उनको वहाँ से टाइम नहीं मिल रहा, देखें जैसे ही मिलेगा तो फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि उनका काम इतना होता है नहीं, बस यही है तकरीबन 6 महीने होता है, फिर 6 महीने तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बस यही है। अभी आमना जिद किचन के भाई की शादी हुई थी बिलाल की, तो उनकी बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छी फेवरेट हैं, तकरीबन मैं 6-7 साल से देख रही हूँ, तो हाँ अच्छा है उनकी हुई या बिलाल की शादी हुई तो उनको ही बहुत बहुत मुबारक हो, और क्या कहते हैं जो उनकी शादी हुई, फिर आपसे कल नए ब्लॉग के साथ, और ज़रूर जो है कमेंट्स कर दिया करें, आप सबका बहुत शुक्रिया देखने का, तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, इंशाल्लाह कल मिलती हूँ मैं आपको अपने नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।